और ये खास वो लोग हैं जो दिल थाम कर बैठे रहते हैं अगर एक कुर्सी से चिपक कर बैठ जाएंगे तो फिर वो उठने की जहमत तक नहीं उठाते हैं इसलिए कहीं ऐसा ना हो हो कोई कोई विकेट गिर जाए जाए या हमारे चक्कर में परेशानी देखिए और खास तौर तो से महिलाएं विक्रांत <laughs> देश भर में भी वैसे दुआओं का दौर चल रहा है आपकी स्क्रीन पर भी है आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में मतलब इस वक्त तो कल मैच शुरू हो चुका होगा और हो सकता है कि भारत को तीसरा वर्ल्ड कप मिल भी जाए हालांकि उस मिलेगा ये वर्ल्ड कप हमारा है जो हमारी हेडलाइन है विक्रांत अब किंतु परंतु अगर मगर के लिए जगह नहीं होनी चाहिए होनी भी नहीं ए, चाहिए एक क्रिकेट फैन के तौर पर आपने तो बहुत क्रिकेट खेली है आप क्रिकेट को जीते हैं लेकिन हम लोग जो देखते हैं उसके जरिए कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप हमारा ही है बस देखना यह है कि अंतर कितना रहता है जीत का है या नहीं आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं 2003 में ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी वर्ल्ड कप फाइनल में जो में तब की इंडिया इंडिया ही थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम थी भारत शायद तैयार नहीं था 20 साल में देखिए क्रिकेट की दुनिया कैसे बदली है आज इंडिया इंडिया है एक खूंखार टीम है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर की टीम है वो चैलेंजर है लेकिन इंडिया को अगर सावधान रहना है तो वो इस बात से कि ऑस्ट्रेलिया पांच बार वर्ल्ड कप जीता है उनके पास वो तजुर्बा है जब वो फाइनल में आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी हो जाती है बीन देयर डन इट बिफोर अब तक रहे हैं अजय और अब विश्व विजय हमारी तय है जोरदार तालियां हो जाए एक बार खुद के लिए और यकीन जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक टीम इंडिया की देखने को मिल रही है है वो अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय और वर्ल्ड कप के दंगल में टीम इंडिया का मंगल पूरी तरह से तय है जिसको लेकर अभी तक की जितनी भी परफॉर्मेंस हमने देखी है रोहित शर्मा से उठा लें नीचे टॉप टू बॉटम हम पूरी ताकत से एकजुट होकर लड़ रहे हैं बस अंतर अब मदन लाल जी आपका एक बार फिर से वेलकम करते हुए हमारे दर्शकों को हो जाए थोड़ा ढोल भी मदन जी के लिए ये शानदार मदनलाल जी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कल की क्या-क्या है जिसके बारे में तीन बड़ी बातें हमारे दर्शकों को आप बताने जा रहे हैं देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस हॉल में देखकर इतना जोश आ, और विक्रांत की बात और आपकी बात को मैं मानते हुए अब कब हमारा है ये बड़ा जरूरी है क्या बात है बहुत खूब <laughs> तो क्योंकि इसमें इसमें इस शक नहीं रहना चाहिए जब शक आता है तो फिर थोड़ा सा डाउट होता है डाउट तो की कोई वजह नहीं कोई वजह नहीं है जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा और जैसे हमारी टीम खेल रही है और देखिए हमने सारे मैचे जीते हैं जो अभी तक हमने खेले हैं दस मैच ग्यारह मैचे खेले हैं वो हमने जीते और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे आठ प्लेयर जो हैं वो बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं क्योंकि ये न कई बार होता है कि दो प्लेयर चलते हैं तीन चलते हैं या बॉलिंग में भी एक या दो चलते हैं ऐसा ऐसे होता है बट इस वर्ल्ड कप में मैंने देखा है पहली दफा देखा है मैं मैं क्रिकेट तो बहुत खेला भी बड़े चालीस पचास साल खेला हूं और उसके साथ भी मेरा मेरा कहने का मतलब है कि जब आपकी टीम में आठ प्लेयर या नौ प्लेयर जो फॉर्म में चल रहे हैं तो उस टीम का हारना थोड़ा सा मुश्किल रहता है किसी ने पूछा कि कल हीरो कौन होगा फाइनल में तो मैंने कहा ग्यारह हिंदुस्तानी आपने आठ कहा मैं तो ग्यारह कह रहा हूँ जो बाहर बैठे हैं जो बाहर बैठे हैं वो भी परफॉर्म करके बाहर बैठे हैं नहीं देखिए देखिए विक्रांत पता होता क्या है कि अगर आपने इतना बड़ा वर्ल्ड कप जीतना है तो आपके एज ए टीम आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तो एज ए टीम आप अगर हर मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी आके अपना किरदार नभा देता है मैन ऑफ द मैच बन जाता है या हीरो बन जाता है और तो उसी से ही जो वर्ल्ड कप है वो जीता जाता है और नो नमनो कल कौन हीरो बनेगा किसी को मालूम नहीं है

या वो ऑस्ट्रेलिया जिस पर दबाव है कि यार भारत को रोके तो कैसे रोके नहीं देखिए मैं तो अपनी बात कर सकता हूं नाइनटीन एटी थ्री में जब हम फाइनल में मैच खेलने जा रहे थे क्या होता है कि मैच के पहले दिन क्या होता है कि आप वही रूटीन में जाते हैं जो आप पहले कर रहे होते हैं और ये ठीक है अपने यारों दोस्तों को मिलते हैं भी कहीं की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी पड़ती है पासेस मांगते हैं ये सब चीज़ें ये सिर्फ सॉर्ट आउट करनी पड़ती है छः सात बजे के पहले पहले जब टीम मीटिंग शुरू नहीं हो जाती तो जब ऐसा आहिस्ता क्या होता है कि देन बिल्टअ अप होना शुरू हो जाता है ऐसा टीम मीटिंग होती है प्लानिंग की जाती है हर चीज़ का ये ये जो सिलसिला है बट ये नहीं होता हाँ ठीक है देखिए फाइनल का प्रेशर तो रहेगा अगर कोई मेरे को, को, कहे कि प्रेशर नहीं था क्योंकि आप उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं जीतेंगे है। जीते जीतें, जीत रहे हैं और जो भी हुआ? आप कहना चाहें क्योंकि हर खिलाड़ी जो है पंद्रह का पंद्रह देखिये हिस्ट्री में अगर आप बात करें तो Uh, कितने खिलाड़ी हैं जिन जिनके जिनके नसीब में वर्ल्ड कप जीत जीतने को मिला है तो प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा पर प्रेशर आहिस्ता आिस्ता कम होता चला जाता है जब आप ग्राउंड में एंटर कर करने कर जाते हैं और क, जब आप ग्राउंड में एंटर कर जाते हैं तो वो जो फोकसिंग होती है ना वो लेज़र शार्प होती है क्योंकि हमें नहीं पता ये होता कि 120,000 लोग बैठे हैं अंदर या 150,000 लोग बैठे हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैच होता है कि हर uh, खिलाड़ी की जो फोकस है जैसे उन्होंने बैटिंग करनी है तो बैटिंग के ऊपर रहेगा या बॉलिंग करनी है 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 उनको जो जो ना ना आपका जो है ना कीप मैंने था यहां से बल्ले जा रहे थे ऑटोग्राफ और भारत के खिलाड़ी जब सेमीफाइनल खेलकर जोहनिसग आए उन पर बड़ा दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लास्ट तीन दिन अभ्यास ही नहीं किया वो लोग क्या करते थे अपने परिवार के साथ घूम रहे प्राइम में बच्चे हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते थे इंडिया की टीम मैच से एक दिन पहले के मैदान में प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि हमें तो वर्ल्ड कप जीत जी स्टिफ थे आप ऑस्ट्रेलिया के छह लंबे चौड़े प्लेयर जो थे मैथ्यू हेडन हो गए डैरन लीमन हो गए ब्रेटली लंबे लंबे जो थे वो सिर्फ आते हैं मैदान में और वो जो टनल है वहां से नीचे उतरते हैं भारत की टीम वॉलीबॉल खेल रही थी सिर्फ उन्होंने एक ऐसे वॉक किया वॉलीबॉल कोर्ट के इर्द गिर्द और वापस चले गए सेकंड में उन्होंने इंडिया की टीम को इंटीमीडिएट कर दिया लेकिन आज अगर आप भारत की टीम देखें कल इंडिया ने भी प्रैक्टिस नहीं की ऑप्शनल प्रैक्टिस थी आज छह बजे प्रैक्टिस है हो सकता है आज भी ना हो तो जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका जितना आप रिलैक्स होंगे उतना आपका नतीजा बेहतर है

इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में मैं समझता हूँ कि हर खिलाड़ी ने परफॉर्म किया हमने सुरेश अय्यर की बात इन बात कम कर रहे हैं वो एक मिडिल ऑर्डर में आके जाके इतना ज़्यादा तेज़ी से रन बनाता है कि आपको एक ऐसे जगह पे पहुँचा देता है जहाँ पे आप मैच जीत सकते हैं बट उसके पहले आपको अच्छा स्टार्ट दे देता है रोहित शर्मा और सुमन गिल क्योंकि देखिए ऐसी जोड़ी बहुत कम मिलती हैं जब आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया उसके बाद विराट कोहली के बारे में मैं क्या बात करूं सारे ही जानते हैं उसके बारे में कि कैसा खेलता है और क्या क्या उसका उसका रुतबा है पर ये है कि ये जो तीन चार प्लेयर है ना ये मेन करता रहा है एक ही है कि हमारी जो बैटिंग है ना जहां अगर बैटिंग की बात करें तो जडेजा तक ही रहनी चाहिए जीता। टाइट मैं भले पर रहन थे। लेकिन एक वक्त जब न्यूजीलैंड आपको पुश कर रहा था तो जब आपको इतने बड़े मुकाबले में टाइट गेम मिलती है ना तभी आप यू पुल आउट ऑल योर रिजर्व और उस वक्त रोहित शर्मा ने जैसे टीम को चलाया मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन इंडिया के लिए होगा नहीं देखिए विक्रांत क्या टाइट मैच यस यू कैन से दैट क्योंकि देखिए जहाँ जैसे वो बैटिंग कर रहे थे मैं मान सकता हूँ कि शायद टाइट हो पर मेरे विचार में क्या होता क्या है कि क्रिकेट में साइकोलॉजी जो माइंड सेट चलता है क्योंकि 400 रन चेज करना इतना आसान नहीं है क्योंकि जैसे जैसे, जैसे ओवर कम होते चले जाते हैं बैट्समैन जब एवरेज बढ़ती चली आठ की जगह नौ हो गए नौ की जगह दस ग्यारह फिर उनको ऐसा लगता है यार कि हमें हिटिंग करनी चाहिए ताकि हम उसमें चांसेस मिलते हैं विक्रांत एक छोटी सी बात कहते हुए मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ऑडियंस के बीच जाऊं। बहुत बहुत सारे लोग इंतजार में हैं। है, तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हाँ। टू टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह जो तैयारी है वो शुरू कर दी है मतलब आप के लिए मैदान सेट आपने है आपने जीत की नहीं ये आपने सिर्फ बॉलिंग करनी है ये जश्न आपने ऐसे मना लिया कि ऑलरेडी जीत गए हैं ये वैसा जश्न है मजेदार था थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी आप तो बहुत बढ़िया नाचते थे मैम बहुत बढ़िया भंगड़ा किया आपने ये कल भी आपको करना है बचा के रखना मतलब ये बचा के रखना फाइनल के बाद ये करना है अभी से प्रैक्टिस कर रही हैं अच्छा। ताकि कल को अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसी समय इस समय इस से शुरुआत होगी अच्छा चित्रा ने भी चुन के कपड़े पहने उन्होंने कहा कि इंडिया की जो की जो प्रैक्टिस जर्सी है भाई वो कपड़े पहन के है। एक क्योंकि असली रंग भारत का ये है ना बात है बिल्कुल जीतेगा जी कोई शक कोई मुझे तो भाजी कोई शक नहीं है और सामने ऑस्ट्रेलिया है तो मैं भी जा रहा हूँ ग्राउंड पे थोड़ा मेरा भी प्रभाव पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाले देख के मुझे थोड़े घबरा जाते हैं तो नहीं बट टीम हमारी बहुत अच्छी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आपका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर ऑस्ट्रेलिया <laughs> मुझे नहीं लगता कि उतनी सक्षम टीम है क्योंकि पिछला मैच भी रेंगते रेंगते पहुंची है ये फाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया ठीक है सेकंड बेस्ट टीम वही थी बट भारत बहुत आगे है अच्छा, बहुत बहुत आगे बुरा ना माने तो ये 2003 का रिवर्सल है क्योंकि 2003 की हम बात कर रहे थे जब आपकी टीम इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची थी क्या उसी तरह के हालात है उस टाइम पे जो इंडिया नहीं था वो आज इंडिया है और जो ऑस्ट्रेलिया उस वक्त था आज इंडिया है नहीं इस ऑस्ट्रेलिया से तो भारत तब भी बेहतर था <laughs> <laughs> हालांकि हम दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया से तब हारे थे पहला मैच खराब हारे थे दूसरा भी बहुत लंबे मार्जिन से हारे थे बट ये भी मुझे लगता है और यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ युवा चेहरे मौजूद हैं जो दोनों ही हमारे बड़े खिलाड़ियों से सवाल पूछना चाहते हैं चलिए हाथ रहे और कुछ लोग गाना भी सुनाने चाहते थे टीम इंडिया के लिए आप सुनाना सबसे पहले आपके पास बताइए और फिर सवालों के साथ भी तैयार रहे आप ओ, 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 ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश दे यार ओ, इस देश दे यारों का कहना ये देश है दुनिया का कहना ओ यह सुनी सकले हीरो यह नित नित में देशभक्ति से पूरा सराबोर और अभी से जश्न की शुरुआत हो चुकी है बिल्कुल मेरा तो मन कर रहा था मैं भी नाच ही लूं इनके साथ जब वो ढोल बज रहा था और वो रुक जाओ रुक जाओ जब पंजाबी उतने नहीं नहीं रुक जाओ डांस डांस जो, ने, 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 जो। दाँच, दाँच जड़ है ना वो हम कल करें हमने टशन लगाया हुआ है पहले दिन से लेके

यारो क्या कहना ये देश का आपने आपकी बात बहुत बढ़िया है मेरे से मुझे लगा मैं गायक बुलाया हुआ हूँ आप ऑलराउंडर हो ना इस टीम में ऑलराउंडर नहीं था तो आप बाहर से मैदान में तो जा ही रहे हो आप अच्छा बाय द वे ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने बात की थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस हरभजन सिंह अच्छा होता क्या था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी मैदान पर 2011 हजार ग्यारह का वो क्वार्टर फाइनल वो किसी फाइनल से कम नहीं था तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पाजी फाइनल फाइनल तो दबाव लेकर आया होगा उस बार भी तो आपने उस टीम को हराया था हाँ हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे थे जैसे अब खेल रहे हैं उस वर्ल्ड कप में भी बहुत कॉन्फिडेंट टीम थी और बहुत अच्छा खेल रहे थे 2011 के वर्ल्ड कप में भी और ऑस्ट्रेलिया के सामने हमें ऐसा कभी लगा नहीं था कि हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि जो एक हवा था ना ऑस्ट्रेलिया का वो उनका घरूर तोड़ चुके थे हम काफ़ी अच्छा। पहले और हमें अब कॉन्फिडेंट टीम थी कि नहीं इनको हरा सकते हैं हम क्योंकि जैसी टीम है जैसा खेल रहे हैं जैसा माहौल है तो एक बार भी ऐसा लगा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को पकड़ नहीं पाएंगे और वहाँ भी उनको ठीक ठाक तरीके से हरा दिया मेरे लिहाज से वो क्वार्टर फाइनल जो था वो सेमीफाइनल था और जो इंडिया पाकिस्तान जो था वो फाइनल था

जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं तो मेरे को लगता है क्योंकि देखिए विकेट टू विकेट डिफरेंट होती है मद्रास की विकेट जहाँ पे वो खेल रहे थे ना वो डिफरेंट थी ये जो विकेट है ये बिल्कुल डिफरेंट रहेगी पर आपका सवाल काफ़ी अच्छा है देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज, अगर गिर जाता है आ, पर उसके बाद जो बल्लेबाज है उनको मैच को कंट्रोल करना आना चाहिए क्योंकि आप फाइनल में खेल रहे हैं 50 ओवर का गेम है आप अकॉर्डिंग टू द स्कोर बोर्ड आप देख के बैटिंग करते हैं जो विराट कोहली मास्टर है इसमें <laughs> और जब वो खेलते हैं ना वो नंबर तीन पे आता है जब वो खेलता है और उसके बाकीयों का अपने साथ खिलाता है तो वो कंट्रोल कर सकता है उसके बाद आपके इसलिए मैंने कहा ना कि आपके आठ प्लेयर जो है फॉर्म में उसके बाद श्रेय अय्यर या के राहुल आप जितने भी बैट्समैन है दे नो दे आर एक्सपीरियंस प्लेयर They know how to handle this situation, sort of thing. Mm. But definitely, I agree with you, but they have to be careful on that part. <laughs> लेकिन इस वक्त आज तक पर क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल अब आप जानते हैं कुछ घंटे का इंतजार है चित्रा मेरे साथ है और चित्रा आपकी तो ड्यूटी बड़ी सख्त है मतलब आप एक तरह से टीम की ओपनर है कि जाके बैटिंग करनी है क्योंकि ये जो सवाल है मतलब क्रिकेट फैंस के

क्या कल रात को इनकी भी तस्वीर होगी वर्ल्ड कप के साथ पक्का हो पक्का होगी होगी बड़ा ये दिल से कह रहा हूं कि जिस तरीके से टीम खेल रही है और जैसे टीमों को हराया है ना ये पहले ही हरा चुके हैं उनको ऑस्ट्रेलिया को तो उनके जहन में घुस चुकी है ये टीम और कल ट्रॉफी किसी और के नहीं हमारे हाथ में होगी इंडिया के हाथ में होगी कल ट्रॉफी जब आप ये बात कहते हैं तो फिर आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है 2003 के फाइनल में सबसे सफलतम गेंदबाज भले ही हमें हार का सामना उस समय करना पड़ा था लेकिन वो आप थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो विकेट झटके थे अब जब हम इस समय खड़े हैं 2023 में 2011 का एक्सपीरियंस हमारे साथ है उन्नीस के बाद 28 सालों के बाद वर्ल्ड कप हमारे हिस्से दो में आया था लेकिन अभी बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं तय करना पड़ा तीन बड़ी बातें जिसके वजह से आप बोल रहे हैं कि अब ये वर्ल्ड कप हमारा है जो आपके पीछे लिखा हुआ है सबसे पहली बात तो जिस तरीके से टीम एकजुट होकर खेल रही है वो और इसमें कोई आप देखेंगे कि एक आदमी ने परफॉर्म आउटस्टैंडिंग नहीं किया है आप अगर ऊपर से नजर मारेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी और प्लस उनका जो स्टार्ट वो दे रहे हैं उसी तरीके का स्टार्ट अगर वो कल भी देंगे तो फिर विराट कोहली नीचे से रन बना रहे हैं के राहुल की फॉर्म अच्छी है श्रेय जैर ने पिछले दो मैचों में दो सौ बनाए हैं और कल अगर बारी आई अगर तीसरा सौ बनाते पहले वर्ल्ड के खिलाड़ी बन जाएंगे जो वर्ल्ड कप में तीन सौ एक ए, मतलब एक के बाद एक बनाने वाले और ये बहुत रेयर होता है कि आपके सारे बल्लेबाज जो है ना वो फॉर्म में हो और बल्लेबाज तो चलिए मैं मान गया कि फॉर्म में है और गेंदबाजी में शमी शमी अकेला ही काफ़ी है तो आपने कहा ना कि कौन वो तीन चीज़ें क्या है तो शमी अकेला ही काफ़ी है जिस फॉर्म में शमी का गेंद लहर रहा है ना तो आ, मुझे लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया

क्योंकि पहला वर्ल्ड कप खेला उसमें किसी ने हमें चांस नहीं दिया भाई हमने भी क्या चलो यार ऐश करो जो होगा देखा जाएगा उसमें हमने सिर्फ ए, एक मैच जीता सारे सारे टूर्नामेंट तो उसके उसके बाद हम आए एटी थ्री में तब हमें किसी ने चांस नहीं दिया था भी आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे तब भी हमें बड़ी नींद आ रही थी <laughs> तो ये ए, पर आपने सोते सोते सबकी नींदें उड़ा दी हाँ ये बात ये बात अलग है पर बाद में बाद में नींदें उड़ने शुरू हुई हाँ भाई आप इंडिया आ गया मैदान में आ गया तो आप देख लीजिए अब कपिल देव एमएस धोनी और आज रोहित शर्मा की हम बात करते हैं ऐसा नहीं है कि इस दरमियान और कप्तान नहीं आए वेंकट राघवन ने कप्तानी की मोहम्मद अजरुद्दीन ने की उसके बाद सौरभ गांगुली राहुल द्रविड सब ने कप्तानी की बट आपको कपिल देव की छाप क्या रोहित शर्मा दिखती है एम धोनी की छाप क्या रोहित शर्मा में दिखती है देखिए तीनों कैप्टन का अपना अपना स्टाइल है क्योंकि मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि देखिए क्योंकि जब भी मैं कंपेयर हम करेंगे हम क्रिकेटर जो है कंपेयर नहीं करते वो इधर अलग था ये इधर अलग है और हम कंपेयर करने से क्या करता है क्या होता है कि हम दूसरे की छवि जो नीचे करते हैं और तीनों ग्रेट हैं आप उनकी परफॉर्मेंस कैप्टन कौन बनता है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है जो क्लास का प्लेयर होता है उसके उसको कैप्टन बनाया जाता है बट धोनी और इसकी तीनों तीनों बड़े क्वाइट थे तीनों क्वाइट कैप्टन है कपिल देव भी ज्यादा बोलता नहीं था बिल्कुल अच्छा। नहीं वो बहुत कम बोलते थे वो शाबाश शाबाश ठीक है चलो चलो जवान चलो चलो जवानो ये तीन चार वर्ड थे उनके पास वो चलो चलो अभी हम करते हैं तो इसे ये एम एस धोनी के बारे में और रोहित के बारे में ये बता सकता है रोहित भी ऐसा ही है जो एम एस धोनी थे वो तो बिल्कुल ही बिल्कुल शांत आदमी है और रोहित भी वैसा ही है ये चहेता है लेकिन लड़कों का इसको ड्रेसिंग रूम का माहौल भी पता है कैसे रखना है बिल्कुल शांत माहौल होता है और जॉयफुल होता है प्रेशर वाला माहौल नहीं बनाता है तो रोहित और मुंबई इंडियंस की कप्तानी करके ना इतना ज़्यादा उसको फायदा हुआ है बहुत कुछ सीख गया है वो दाव पे जो कप्तान को आने चाहिए वो बॉलिंग चेंजेस कब करनी है वो सारी सीख चुका है तो मोर uh, इम्पॉर्टेंटली कप्तान की ना रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है ड्रेसिंग रूम में और रोहित की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस ड्रेसिंग रूम में क्योंकि जिस तरीके से घुल मिल के रहता है जब कप्तान घुल मिल के रहता है तो टीम एकदम से घुल जाती है तो फिर माहौल तभी बनता है और जो बड़े एक आ, अच्छे प्लेयर ने ये बात मुझे बहुत पहले कही थी कि हैप्पी टीम टीम इज़ विनिंग एंड आई कैन सी दैट विद द इंडियन टीम दे लुक लाइक ए वेरी हैप्पी यूनिट दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दे आर स्टैंडिंग वेयर दे आर स्टैंडिंग टुडे एंड और शायद रोहित शर्मा का विकेट भी जो है ऑस्ट्रेलिया जानता है अगर वो 10 ओवर खेल गए तो फिर उसके बाद आपको 400 ही दिख रहा है भले वो फाइनल हो लेकिन यहाँ पर आपने विक्रांत जो बातें कही कि सर ने जिक्र किया कि तीनों ही कप्तान थोड़ा कम बोलने वाले घुल मिलकर शांति से रहने वाले अब यहाँ पर जो भविष्य के में क्रिकेट का अपना देख रहे हैं अब उनको है। ये तय करना होगा कि अब चुप रहना होगा हमें <laughs> <laughs> लेकिन अभी सवालों के लिए आ जाइए कि किन लोगों को सवाल पूछना था जल्दी आइए बताइए किससे है सवाल

तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन मुझे लगता नहीं है कि चेंज करने की ज़रूरत है और सिर्फ फ़ास्ट बॉलिंग अगर होती तो मैं मानता कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी खेलती है बट तो जहाँ सीम बॉलिंग की बात हो रही है ना सीम का मतलब होता है पढ़ने के बाद बॉल थोड़ा इधर उधर हरकत करे तो जो शमी करवाते हैं सिराज करवाते हैं बुमराह तो खैर पता ही नहीं चलता उनका बॉल कहाँ से कहाँ आ जाता है तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही टीम है तीन फ़ास्ट बॉलर और नहीं एक बात मैं उसका एशिया के के कप का एशिया कप का देखा ये फाइनल मैच है कोई भीरो बन सकता है आपको बताना चाहूंगा नहीं प्लेयर होता है ना अंदर से बज्जू को मालूम है की अंदर से वो टू हंड्रेड परसेंट देता है

जैसे पिछले मैच में भाई अभी सिराज... तक तो वीक पड़े नहीं है शामी ने तो वीक पड़ने दिया और नहीं है हो और स्ट्रॉन्ग आ... हो गए जब से शामी खेलना शुरू हुआ है पिछले मैच में थे सिराज थोड़ा सा पीछे हो रहे थे, तो हमें बॉलिंग ऑप्शन उस टाइम मुझे लगता नहीं है कि छठे बॉलर की जरूरत पड़ेगी और पड़नी चाहिए क्योंकि अगर पांच अपना काम ठीक से कर जाएंगे ना तो मुझे लगता नहीं है की छठे की जरूरत पड़ेगी पीछे से आवाज आ रही है विराट काम कर जाएंगे आखिरी में अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि

रिटायर मैम कोई नहीं होता ऐसा है अब मेरा समय है क्रिकेट देखने का बच्चों की तो जिम्मेदारी अब हो गई खत्म मैंने बड़े ध्यान से क्रिकेट देखा है न्यूजीलैंड शुरू में बड़ा हावी होने की कोशिश न्यूजीलैंड हावी हुआ लेकिन बाद में जब शामी आया मैं हैरान रह गई वो जैसे गेंद लाता था मैं सिर्फ देखती थी आप गिल्ली उड़ी <laughs> <laughs> और उड़ा देता था अल्लाह उसको रहमत बख्शे बहुत लंबी उम्र हो ऐसे ही मैंने साउथ अफ्रीका के साथ न्यू आप कह रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं और बहुत थोड़े रन थे बहुत थोड़े लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने खेला है बहुत दबाव दिया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत दूर तक जहां पर ऐसे फैंस होंगे उस इंडिया को एक, एक जीतने से कौन रोक सकता है एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जब मैच देखते हैं कौन सा टशन लगा के देखते हैं मैं सुबह खाना बना लेती हूं परिवार को कह देती हूँ अब कोई मुझसे बात नहीं करेगा मैं तकिया लगा के आराम से देखती हूँ मैं घर में ढेर समोसे ला के रख देती हूँ और ब्रेड ला के रख देती हूँ भांडे वांडे कुछ नहीं ओनली मैच आइए जल्दी से आप इधर आ जाए आ, मेरा सवाल ये है कि बेशक टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत ही बेहतरीन है लेकिन फिर भी अगर चेस करना पड़ जाए तो क्या आ, दो हजार के ऑस्ट्रेलिया के टीम के सामने चेस कैसा रहेगा क्योंकि 2003 में तो चेस में हम बहुत ही बुरी तरह से हार वो आप पुरानी बातों याद करोगे तो ऐसे बहुत सी मुझे और कहानियाँ याद आ जाएंगी बट अब की जो फॉर्म है इस फॉर्म के मुताबिक तो चाहे बल्लेबाजी पहले आए या बाद में आए सामने वर्ल्ड कप है तो करो या मरो वाली स्थिति में तो वही करना ही है इस ये मौका बार बार नहीं आएगा तो जो प्लेयर है वो इस मौके का इंतजार करते हैं और कोहली रोहित केएल आई बिलीव uh, सूर्य कुमार यादव भी अपनी चमक सूर्य ने दिखाई नहीं है कल हो सकता है उनका दिन हो चेज़ कर रहे हो क्या पता हुँ? उनके बल्ले से वो चालीस बॉल में अस्सी रन आए पर uh, चेज़ करें या या डिफेंड करने जाएं मुझे लगता है दोनों दोनों कामों में भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है आप क्या चाहेंगे क्योंकि आमतौर पर कहते हैं बड़े मैच में अगर आप पहले बैटिंग करो रन ऑन द बोर्ड वो बड़ा मैटर करते हैं बट इतिहास ये भी बताता है कि अगर आप 19 का फाइनल वो टीम जीती जिसने पहले बैटिंग की लेकिन 15 का फाइनल कौन जीता में भी चेज हुआ। का मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने शायद पहले बल्लेबाजी न्यूजीलैंड नहीं नहीं, नहीं, एक सौ पच्चीस ऑल आउट आते ही अच्छा शुरू में ही आउट होगा एक सौ सत्तर आउट करेक्ट 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 देखो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पिच कैसी है अगर पिच थोड़ी धीमी है जो कि सुनने में, में आ रहा है चेस किया था आ, अगर सुनने में आ रहा है कि धीमी पिच है थोड़ा बॉल जो है वो कम आएगा <laughs> क्या हुआ भाई <laughs>

आई आप टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे मैं मैं तो देखिए ये चाहूँगा कि अगर विकेट जो धीमी है अगर तो पहले बल्लेबाजी कर लीजिए क्योंकि जो बेस्ट खेलेगी पिच पहले तीस चालीस पचास ओवर खेलेगी उसके बाद जैसे जैसे गेम होता जाएगा विकेट स्लो हो जाएगी तो फिर चेज़ थोड़ा सा मुश्किल होगा वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहेगा कि पहले बल्लेबाजी करे रन लगा दें ऑन द बोर्ड और इंडिया भी मुझे लगता है कि वो ही करने की कोशिश करेंगे कि रन ऑन द बोर्ड पुट प्रेशर ऑन देम बिल्कुल जैसे भजपा ने बोला हैवी रोलर से रोलिंग हुई है मुझे लगता है वो पाकिस्तान वाला विकेट मिलेगा ब्लैक सॉइल पाकिस्तान वाला ही, ही मैच है और पाजी केड़ी भी आए ब्लैक हो चिट्टी हो केड़ी भी लालो। लालो, पीली हो लाल हो 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 पीली नीली जैसे भजूभा ने बोला टीम बहुत अच्छा कर रही है ओपनिंग स्लॉट बहुत अच्छा है रोहित जिस जी. तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और जो ये कल्चर अभी स्टार्ट हुआ है ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो लोग तो उससे पता चलता है कितना एग्रेसिव अप्रोच है किस तरह से लीड कर रहे रोहित शर्मा और जिस तरह से बैटिंग हो रही है वो पंद्रह ओवर में सौ फिर उसके बाद डेढ़ सौ रोहित बीस पच्चीस ओवर कर खेल गए तो आई वरप्राइज डबल हंड्रेड भी बना सकते हो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका बड़ा अच्छा अफेयर रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा का सबसे ज़्यादा शतक रोहित शर्मा के भी है विराट कोहली के भी है और सबसे इम्पोर्टेंट होगा सुरेश है जो बीच में एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हो फिर शामी यही अभी उनका यूपी में आपने देखा कि इस तरह से उनका स्टेडियम बनाना मैं चाहता हूँ भज्जू पा भी सुमन गिल्ल की जगह पे स्टेडियम बना दें <laughs> 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 नहीं अगर वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो बहुत कुछ होगा भाई बहुत कुछ होगा और ये जो 83 में हुआ हमें एक वो सीख मिली कि यार इनके जैसे बनना है और वो ग्यारह में जो हुआ अब ये तेईस में अगर होगा तो क्रिकेट आगे बढ़ रही है ना क्रिकेट आगे बढ़ रही है तो बहुत सी और चीज़ें होंगी स्टेडियम भी बनेंगे नए नए और लड़के जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे इनके तरह बनने की कोशिश करेंगे एक बाजू मेरे मेर, मेरा मानना है कि देखिए देश के लिए अच्छी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि देखो ब, कितने बच्चे खेल रहे हैं आजकल क्रिकेट पहले तो माँ बाप कहते थे नहीं 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 मत खेलने जाना पढ़ो यहाँ बैठ के घर तो बैठ तो के पढ़ो तो अब देखिए आप, आप आजकल मैंने देखा है कि आ, जो मदर्स हैं वो बच्चों को लेकर आती, ले आती हैं है। वहाँ बैठी ले रहती हैं एंड मैं अमेजिंग मैं आपको बताना चाहूँगा इतना टैलेंट मैंने कभी नहीं देखा हिंदुस्तान में इत, मेरे को लगता है कि इंडिया को क्रिकेटरों की शॉर्टेज नहीं रहेगी अब <laughs> और कल तो दिल थाम कर बैठ कर देखने वाले हैं, सारे बस, भी जिसको देख के लगा कि थोड़ी टक्कर हो जाती तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो लोग पहुंचे हुए इतने दूर दूर से बड़ी मुश्किलों से टिकट कराकर उनको थोड़ा मजा आए तो टक्कर का मैच देखना है या फिर वन साइडेड की नई टीम इंडिया आए और सब कुछ उधेड़ देखिए वर्ल्ड कप जीतना है और, वो एक छाप छोड़नी है और जो वहां भी लड़े या नहीं लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया ट्रॉफी उठाए वो सब वो देखने गए हैं और उम्मीद करता हूँ कीपिंग माय फिंगर क्रॉस की कल वो दिन आए और हम सबको वो मौका मिले खुशियाँ मनाने का जी बिल्कुल उम्मीद कर कर रहे हैं उधेड़ रख दे टीम इंडिया उधेड़ेंगे तो हैं है ही और हैट्रिक भी होगी ना वर्ल्ड कप की एटी थ्री दो हजार ग्यारह और दो हजार तेईस में फिर रोहित शर्मा लेके आएंगे सुनने में आ रहा है एम एस धोनी भी कल जा रहे हैं वो मैच देखने तो उन सारे कप्तान को एक रेस्पेक्ट मिलेगा रोहित शर्मा का भी एक नया नाम जुड़ जाएगा उस लिस्ट में तो मुझे लगता है कि जैसे भजूपा ने बोला मदन पाजी ने भी बोला कि जो एक कल्चर अभी बनाया वर्ल्ड कप के आसपास हम इतने सालों से खेल रहे हैं क्रिकेट जितने भी प्लेयर्स लोग आ रहे बच्चे लोग नर्चर हो रहे हैं टैलेंट बहुत आगे आने वाला है और आई से स्टार्ट होता है वो फिर आप फर्स्ट क्लास खेलते हो डोमेस्टिक खेलते हो अपनी ऑफिस टीम के साथ खेलते हो लेकिन यहाँ ग्रेड जाता है पेरेंट्स को भी जिस तरीके से उनको छोड़ते हैं आप ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हो फिर उनकी एजुकेशन भी होती है तो मुझे लगता है कि काफ़ी ग्रेड कोचेज़ को भी जाता है और पेरेंट्स को बहुत जाता है वो बिल्कुल दो महीने पहले या ढाई महीने पहले वैसे ऐसा लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप इंडिया का नहीं होगा एशिया कप से पहले की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर तो ऐसा लग रहा था यार बुमराह का क्या है राहुल का क्या है अयर का क्या है फिलिंग द ज्यादा थे तो ऐसा हुआ क्या चमत्कार आई थिंक रोहित शर्मा जिस तरीके से दो तीन साल देखेंगे टीम उन्होंने बनाई प्रॉपर आप देखेंगे जिस तरीके से ऑफ कोर्स राहुल भाई का बहुत बड़ा योगदान है उतनी बातों की हो नहीं रही है क्योंकि आप इतने साल खेले भज्जूपा को पता है जब 2003 में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे राहुल भाई ने कीपिंग भी करी थी भज्जूपा ने जबरदस्त गेंदबाजी भी करी थी उस मैच में डिपेंड करता है कि रोहित शर्मा ने जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने कभी इतनी अग्रेसिव बॉलिंग नहीं देखी ऐसी अग्रेसिव बैटिंग पाजी करते थे विरूपा करते थे लेकिन एक अलग तरीके से खेले पूरे के पूरे ग्यारह लोग एक फॉर्म में है वो तो मुझे लगता है वो वो लोगों की दुआएं भी हैं प्लस आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया उस चीज़ का तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब आप खुद बिलीव करने लगते हो अपनी एबिलिटी में उसके वजह एग्जीक्यूशन अच्छा होता है फील्ड पर तो फिर वो सोने पर सुहागा होता है आपके साथ ही खिलाड़ी हैं युवराज सिंह कल मैंने उनका इंटरव्यू किया वो आज तक पर आप देख भी रहे उन्होंने कहा एक ही सूरत हाल में इंडिया इस वर्ल्ड कप को नहीं जीतेगा। वो है कि अगर आपके दस पर तीन आउट हो उन्होंने कहा वही ऑस्ट्रेलिया का चांस है। अगर आप शुरू में इंडिया जाते हैं दस पे तो फिर वापसी करनी मुश्किल हो जाती है बट इस टीम ने वो भी करके दिखाया है वहां विराट कोहली का कैच छूट गया और वो कैच नहीं शायद वो पूरा वर्ल्ड कप ही छोड़ दिया था उन्होंने तभी उसी वक्त क्योंकि विराट कोहली का वो कैच छूटा उसके बाद वो विराट की अस्सी रन के ऊपर की पारी और साथ में के राहुल ने जो बल्लेबाजी करी थी मतलब वो पार्टनरशिप ने दिखा दिया कि भाई दमखम है कि तीन आउट होने के बावजूद भी हार नहीं मानी और तगड़ी क्रिकेट खेल के कितने विकटों से जीते आप मैच पांच विकटों से मैच वो भी जीत गए और कहाँ तीन आउट हुए थे कहीं पांच विकटों से आप मैच जीत गए तो ये अच्छी टीम की निशानी होती है और जैसे रायना ने कहा कि कॉन्फिडेंस जो जीत है ना ये जोड़ देती है भाजी और वहीं जब एक हार हो जाए ना वो तोड़ देती है वो डाउट पैदा कर देती है और इस टीम में वो डाउट दिखा नहीं है क्योंकि पहले मैच से ही वो टीम जो है वो जुड़ती ही चले गई और जैसे जैसे आप जीतते चले जाते हो ना आपको एक दूसरे की कंपनी भी अच्छी लगती है आपको एक दूसरे की बातें अच्छी लगती हो आपको एक दूसरे की परफॉर्मेंस का मज़ा आने लगता है तो ये टीम जो है ना जुड़ चुकी है ये पक्की टीम है हैप्पी टीम हैप्पी टीम इज ये बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जब जीतते चले जाते हैं तो टीम जुड़ जाती है और टूटती नहीं यहाँ भी बहुत सारे हमारी टीम के लोग मौजूद हैं अपने सवालों के साथ बहुत सारे लोग आए भी थे आ जाओ आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए कुछ लोगों को मैंने बिठा भी दिया आ जाए पीछे जिनको मैंने जाने के लिए कह दिया था पूछे क्या सवाल है सर टू में हम फाइनल तक पहुँचे और वो ऑस्ट्रेलिया के साथ था हमारा फाइनल तो अब कल वो हमारा सपना पूरा होने जा रहा है तो ये हम सभी भारतीय के लिए बहुत खुशी का उत्सव है उत्सव ही है वो पूरा हम मान चुके कि हम जीतने वाले हैं तो आप लोगों के लिए भी वो आंखों में जो सपना अधूरा रह गया था वो अब कल पूरा होने जा रहा है एक सपना तो खैर 2011 में हमने पूरा कर लिया था उन्नीस सौ तेरह दोनों का यही सपना था दोनों का यही सपना, का यही सपना है। सारी क्वेश्चन दोनों के सपने पूरे होने वाले हैं बस चौबीस घंटे के भीतर <laughs> सबसे पहले जय हिंद सबको और कल हम वर्ल्ड कप पूरी बहुत शानदार तरीके से जीतने वाले हैं मेरा ये मानना है है कि हमें बहुत बेहतरीन फील्डिंग की ज़रूरत जो न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ है हमारा सेमीफाइनल उसमें थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखाई दी क्योंकि उनतीस रन और तीस रन जो हैं वो एक्स्ट्रास के गए नो बॉल हुई काफी सारी वाइड्स हुई तो उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है वो फील्डिंग से नहीं जाते हैं वो फील्डिंग से नहीं जाते हैं वो तो कोशिश ज्यादा हो रही थी आउट करने की उसके कारण वाइड और वो हुए फील्डिंग ने लेकिन वो सिवाय के मुझे नहीं लगता कोई कैच ऐसा छूटा हो भाई तो कर दी ना भाई उसने उसने वो कैच छूटा उसको इतना गुस्सा आया उसके बाद उसने पांच और आउट कर दिया <laughs> 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 आपने बोला कि मतलब इस बार इंडिया एक तरफा मैच जीत जाएगी तो एक क्रिकेट फैन होने के नाते हम भी यही चाहते हैं कि एक तरफा जीत जाए क्योंकि हम तेरह में सत्रह में चौदह में सोलह टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में हर जगह आंसू बहा चुके इतनी बार हमने हार का सामना किया सेमीफाइनल और फाइनल में जाके तो इस बार हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा वो

और इंडिया जहाँ पहुँचा है ना जिस मुकाम पर वो कॉन्फिडेंस के साथ पहुँचा है ये वो ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है जहाँ गिलकर है या रिकी पोंटिंग है या डेमिन मार्टिन है यहाँ तो स्टीव स्मिथ हैं जिनके पास तो फॉर्म भी नहीं है लबू शान है उनके पास फॉर्म नहीं है यही डेविड वार्नर है उनके पास फॉर्म नहीं है मैं ये नहीं कहता ये खिलाड़ी बुरे हैं इनमें दम है इनको पता है वर्ल्ड कप के बड़े मैच कैसे खेले जाते हैं ये खेलेंगे भी ठीक ठाक बट इंडिया जिस कॉन्फिडेंस से खेल रही है मुझे लगता है कि इंडिया इज़ अ फार सुपीरियर टीम इन दिस इन दिस गेम ठीक है कुछ लोग अब कुछ गाने सुनाना चाह रहे थे जल्दी से आ जाए पीछे से उसके बाद विक्रांत आप अपने सवाल लीजिएगा जल्दी दौड़ के आ जाए आपका सवाल है गाना, है। आ नीचे आ गाना है। जी जैसे कि भारतीय टीम बस कप को लेने ही वाली है और सबकी आंखों में उस कप की उम्मीद है तो सबकी दिल से एक आवाज निकलती है कि दिल से रे दिल से रे दिल तो आखिर दिल है ना मीठी सी मुश्किल है ना पिया पिया जिया 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 दिल से रे दिल से रे दिल से रे, दिल से रे, दिल से थैंक यू टीम इंडिया का बिल्कुल विक्रांत वही हाल है अभी इन्होंने दिल से गाना गाया और उसपे भंगड़ा वाले स्टाइल में ढोल बजना शुरू हो गया <laughs> तो ये ये दिल से निकल हिंदुस्तान की टीम है ना ग्यारह हिंदुस्तानी हाँ। बात चल रही थी कि मैच विनर कौन है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये भी है ये भी है ये भी है और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है क्योंकि आप रोहित से पार शुभमन गिल फिर विराट कोहली और आई थिंक अच्छी चीज ये हुई है कि श्रेयस अय्यर और राहुल ने जो रन बनाए क्योंकि अगर आपको ऊपर से आपको लगे भी कि यार ये दो आउट हो गए तो चार नंबर और पांच नंबर वाले भी तो सौ बना के आ रहे हैं भाजी चार नंबर पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ चार नंबर पे इनको तो खैर क्या बताऊँगा ये तो क्रिकेट हमें सिखाते हैं चार नंबर पे इतने रन किसी ने नहीं बनाए हैं जितने श्रेय अय्यर ने बना दिए ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ इंडिया की तरफ से ठीक है और चार नंबर की तलाश हम कब से कर रहे हैं जब से युवराज सिंह गए हैं छोड़ के ठीक है

उसके बाद तो छोड़ेंगे नहीं छोटेंगे <laughs> नहीं तक नहीं बिल्कुल जैसे भजूभा ने बोला कॉन्फिडेंस है लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे ना बहुत मेहनत करी है प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा क्योंकि मेंटल टफनेस दिखाई है सारे के सारे खिलाड़ियों ने क्योंकि आप नौ दस जगह खेलते हो बहुत ज़्यादा ट्रैवल है वो हर हर एक शख्स को लगता है ना वर्ल्ड कप जीतना है आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो 2011 वर्ल्ड कप में मुझे याद है हम एक मैच हार गए थे वजुबा नागपुर में उसके बाद सबको थोड़ा डाउट होने लगा हम लोग की एबिलिटी पे लेकिन जिस तरह से कम किया और इंडिया ने इस टाइम में कोई भी ऐसा लगा नहीं जैसे पहले मैच में जो कम हुआ लेकिन कल आसान नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी पांच बार जीती है उनका सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है एडम जम्पा होंगे उनको कैसे टैकल करना है जॉश हेजलवुड बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ट्रेविस हेड किस तरह से अप्रोच कर देगी थोड़ा एग्रेसिव खेलेंगे वो और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि टॉस जीतो और पुट्स रन ऑन द बोर्ड जिस तरह से रोहित करते हैं अभी तक वर्ल्ड कप में कुछ और सवाल कुछ और सवाल ले, ले लेते हैं जी मैम बताइए मेरा सवाल नहीं है मेरी नाइन्टी साल की अम्मा है वो क्रिकेट की बहुत शौकीन है तो वो मुझे कहती है कुड़िए

दसो मैचों में रोहित विराट में से किसी एक ने फिफ्टी मारी मारिया तो अगर ये दोनों आउट हो गए गलती से तो क्या हम पैनिक करेंगे मत यहाँ पे लोग कह रहे मत बोलो ऐसी बातें हमें सुनना भी नहीं है बिल्कुल जवाब तो ही सर <laughs> मत बोलो <laughs> मत बोलो मत नहीं पर टीम में काबिलियत है कोई बात नहीं अगर आउट हो भी जाएंगे तो बाकी के लड़के भी तगड़े हैं के राहुल बहुत तगड़ा है श्रेयस बहुत तगड़ा है ये दोनों ने बहुत दमखम है और जड्डू नीचे उसकी बारी नहीं आई है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर खेलने की बारी आएगी बात अगर ढाई भी बना दिए ना बड़े मैच में ढाई रन चेज करना भी मुश्किल हो जाता है तो आप डरिए मत घबराइए ना यार हौसला करना बुलंद अपना और मैं मैं तो आपके सवाल पे 2013 में इंडिया लास्ट जीता था उसमें सुरेश भी थे टीम में उसके बाद दिक्कत कहाँ आती है बड़े दिन आपके हाथ पैर क्यों फूलते हैं क्योंकि आपको हार का डर सताता है और अच्छी टीम वो है जो फेयर ऑफ फेलियर नहीं कॉन्फिडेंस के साथ तो वो तो आप ही लोगों ने देना टीम को अगर आज हम ये कहेंगे कि यार अगर हार गए तो क्या होगा तो भाई उनके जहन में जाएगा आपको यार एक ही नाम है, है। अगर जीतेगा तो अगर एक दो एक दो आउट भी हो गए मैच मत देखना <laughs> <laughs> क्योंकि संभाल के रखना जरा चार सवाल हेलो सर मेरा कोई सवाल नहीं है मैं बस एक छोटी सी लाइन गाना चाहती हूँ कि जैसे सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार प्यार है बस तेरा प्यार ही तुझे तुझे सलाम तुझे सलाम कल इसकी गूंज भी सुनाई देगी स्टेडियम में उसका दबाव कितना ज्यादा रहेगा फाइनल मुकाबला हालांकि अहमदाबाद के साथ एक उ, प्लस पॉइंट भी है चीज़ का दबाव नहीं है वो कॉन्फिडेंस देता है जब वो बजता है ना एज ए प्लेयर वो बंदा ऐसे हो जाता है कि ये अभी देखना मेरे हाथ देखो जरा आपको पास आ क्लोज फ्रेम वो हमारा कैमरा क्लोज फ्रेम आपको आ, कौन है कौन कौन से <laughs> ये देखिए जरा <जा> <laughs> गूज बम्स आ जाते हैं कि जब वो गूंजता है ना भारत के नाम से पूरा स्टेडियम तो वो एनर्जी बन जाती है बंदे कहते हैं यार मैं अकेला नहीं हूँ ये सारे मेरे साथ हैं और अहमदाबाद का तो रिकॉर्ड भी रहा है अब तक एक भी मुकाबला हम नहीं हारे हैं वहां पर

और वो प्रेशर वाला गेम उसमें जाके ठीक ठाक बल्लेबाजी करी ऐसे फ्लिक पे एक छक्का भी मारा था ब्रेटली को मुझे याद है <laughs> मिड ऑन मिड विकेट के बीच में तो आ, वो हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है भारत का रायना का भी रहा है अब रायना कल क्या होगा बता दे जरा वो छक्का मारेंगे मैच जिताएंगे <laughs> बट जो आपका रोल था उस वर्ल्ड कप की टीम में वही रोल शायद सूर्य कुमार यादव का इस वर्ल्ड कप में है अच्छा सूर्य ने एक इनिंग खेली है बड़ी जबरदस्त और वहां पर आपने उस मैच को जीता भी बट सूर्य को भी इंतजार होगा अभी तक उनको वो बड़ा मौका मिला नहीं है जी इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिस तरीके से आप देखें जैसे बात करें अगर ऊपर कुछ अगर। एक इसका स्पेल आता है बट मुझे लगता है कि जैसे भजूपा ने बोला ना नीचे तक वो एक कॉन्फिडेंस है टीम के साथ क्योंकि लैम में खेल रहे हैं रोहित अगर अटैक करते विराट को पता है कि मुझे तीस ओवर बैटिंग करनी है तो वहाँ पे वो सिचुएशन को रीड करके आप खेलो लेकिन सूर्य कुमार यादव के पास जो शॉट्स हैं एक शॉट्स वो तीन तरीके से मारते तो पता है ऑस्ट्रेलिया खेमे में इसको आउट करना बोझ नहीं तो तीन से तीन कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिस तरीके से रोहित उनको बैक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा लेकिन टॉस बड़ा वाइटल होगा अगर टॉस जीत के आप रंस डालेंगे बोर्ड पे तो ऑस्ट्रेलिया अगर ऊपर दो तीन विकेट गिरे तो मुझे लगता है कि वो चेस कर पाएंगे कुलदीप को कैसे टैकल करेंगे कि उनका रोटेशन स्ट्राइक का प्रॉब्लम है चेन्नई में जिस तरीके से कुलदीप ने गेंदबाजी करी थी डेविड बॉर्नर अच्छे सेट हो गए थे फिर आउट हो गए क्योंकि उनको रोटेट करना नहीं आता स्पिनर पर और जड्डू को थोड़ा सा ही टर्न चाहिए उधर जिस तरह से गिल को आउट किया था उन्होंने फाइनल में वो

जो सूर्य उदय होते हैं उनकी पूजा की जाती है तो कल से लेकर परसों तक भगवान सूर्य का दिन है तो उसका पूरा असर सूर्य कुमार पर देखने को मिल सकता है आ, कुछ सवाल आ, ले लेते हैं सर मेरा सवाल सिंह जी जिस तरीके से आपने बोला कि अब मैदान में जाते हैं तो लगता है कि सारी टीम फैन बेस है जो हमारे साथ है लेकिन जैसे आजकल हम मैचों में देख रहे हैं कि आजकल पुष्पा भाव का ज्यादा कुछ माहौल बना हुआ है जिस तरीके से डेविड बॉर्नर को एज ए पुष्पा समझा जा रहा है तो कहीं हमारा फैन बेस बढ़ तो नहीं गया है पुष्पा तो हमारे ही, हमारे ही पास है आप कहा जा रहे हो उधर दूसरी टीम में पुष्पा ढूंढने के लिए तो तो हिंदी बोलना शुरू कर देंगे क्वेश्चन ये है ना कि सर वो आजकल फैन बट तो नहीं गया कहीं इंडिया जो फाइनल खेलेगा उसमें इंडियन फैंस कहीं डेविड वार्नर को भी सपोर्ट ना करने लगे तो एक बंदा नहीं करेगा सपोर्ट डेविड वार्नर को ये सनराइजर का मैच नहीं है ये भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच है जब भारत के खिलाड़ी वहां उतरेंगे ना तो सारी सपोर्ट जो उनको मिलेगी डेविड वार्नर को एक ही चीज मिलेगी ठेंगा आपके सवाल जो डेविड वार्नर को सपोर्ट करेगा वो बैटरी पाएगा वहां पे। <laughs> सर मेरे सवाल रैना जी और हरभजन जी से सर जैसे कि कल जो मैच है बहुत बड़ा मैच है जैसे 2011 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो प्रेशर था दोनों प्रधानमंत्री आए हुए थे बतौर एक क्रिकेटर उसका दबाव रहा कल भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साढ़े तीन बजे पहुंच जाएंगे बतौर एक क्रिकेटर आपके पास कितना दबाव रहता है और दूसरी चीज जो सर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है किसको क्या एज रहेगा क्योंकि जो ट्रेविस एज का रोल है वही रोहित शर्मा का इसमें देखने को मिला है इस वर्ल्ड कप में और आ, और सर उद, आ, और, पैट और पैट कॉमिंस पैट कॉमिंस की कप्तानी और रोहित शर्मा की कप्तानी में आपको क्या लगता है क्योंकि दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला है पैट कॉमि ठीक है नहीं दो हज़ार ग्यारह में मुझे याद है मोदी सर वहाँ भी आए थे जब हम जीते थे ऑस्ट्रेलिया के साथ उस ग्राउंड पे भी थे मुझे लगता है मोटिवेशन मिलता है जब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो एक अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से आपने दूसरा सवाल बहुत अच्छा पूछा कि कमिंस की कप्तानी और जिस तरीके से रोहित शर्मा लीड के दोनों के अंदर बड़ी अच्छी कामनेस है वो प्रेशर सिचुएशन को अच्छा हैंडल करते हैं वो रोटेट बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने बॉलर्स को और बीइंग ए फास्ट बॉलर जब आप कप्तान होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है रन ओवर रेट देखने पड़ते हैं आपको कब स्पिनर लेके आना है तो मुझे लगता है वजूबा कमिंस ने काफ़ी अच्छी कप्तानी की जिस तरह से ऊपर दो तीन मैच हारे जो कमबैक उन्होंने किया वो

आप बताना चाहें जो दिमाग जो टीम सोच रही होगी वो यही सोच रही होगी कि जिस तरीके की क्रिकेट खेलते आए हैं कुछ अलग नहीं करना है इट्स जस्ट अनदर गेम ये फाइनल इसका नाम जुड़ गया है बट कुछ अलग करने जाएंगे तो शायद आपको वो चीज़ आती नहीं होगी उतने अच्छे से जो आपको आती है चीज़ वो करिए करें। वही करेंगे मुझे लगता है कि कोई चेंज नहीं होगी वैसा ही रिलैक्स माहौल देखने मिलेगा और टेंशन अंदर ज़रूर होगी बट वो चेहरे पे नजर नहीं आएगी ये पोकर वाला फेस जो है न, ये हर खिलाड़ी दिखाता है हर बार डर मुझे भी लगता था बॉल कराने के वक्त कि ये छक्का ना मार दे बट उसको डरा के रखना जरूरी है तो कल ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा डरा के रखना जरूरी होगा पहले बॉल से पहले बॉल से मदन जी आप क्या कहना चाहेंगे ठीक मैं, मैं है ना, उनको एक्सपीरियंस है काफी बट मेरे विचार में इंडियन टीम वे वे हेड है नौ? उन्होंने बड़ा दुनिया में ये बता दिया बाकी टीमों के कि आप में और हमारे में कितना अंतर है क्योंकि देखिए जब आ, आ, आप इतना अंतर कर देते हैं तो दूसरी टीमें जो होती है जो खेलने वाली होती है उनको थोड़ा सा प्लानिंग जो हो रही है उनके इर्द गिर्द होती है तो ये ये काफ़ी अंतर आया हुआ है और रोहित शर्मा का एक मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक का कैप्टन है देखिए वो अपने बारे में कभी नहीं सोचा उसने वो भी हंड्रेड बना सकता था दो तीन हंड्रेड बना सकता था ऐसी बात नहीं है वो भी 80 पे बैटिंग कर रहा था वो भी बट उसने टीम को आगे रखा है और टीम के बारे में सोचता है वो उसको पता है आई थिंक टीम मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड कि ये हमने अटैक करना है अटैक करके हमने 10 ओवर में अगर रन लेते हैं, तो ये भी एक विनिंग टोटल होता है क्योंकि बाद में बाकी आने वाले प्लेयर जो है, है रोहित का तो ने काफी अच्छी कैप्टनसी की है और अगर चेंजेस बड़े अच्छे की है ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी देखें ठीक है पिछड़ा बड़ा टाइट मैच उन्होंने निकाला लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में वो पैना नहीं दिखा एडम जाम्पा की है बाईस विकटे पर एडम जम्पा की तो भारत ने ठीक ठाक पिटाई की थी पहले मैच में अगर आप गेंदबाजी के ऊपर नजर डालेंगे ना तो एक ही तरीके की गेंदबाजी ये, ये ना बोले और वहाँ उनके पांचवे जो गेंदबाज है ना वो मैक्सवेल है ये अगर किसी भी टीम के पांचवे गेंदबाज मैक्सवेल को आप गिनते हो तो ये आप देख सकते हो कि उनकी कमजोरी वहीं पे कितनी बड़ी है फास्ट बॉलिंग ठीक ठाक है उनकी

जब हम यूनिवर्सिटी में खेलते थे, थे ना ऊंचा फेंकता था तो कहते हैं मलाई मलाई खा ले बाकी बॉल दे और कुछ ऐसा ही देखने को भी मिलेगा मुझे खबर आ रही है कि अहमदाबाद में इस वक्त जश्न का माहौल है अभी से और वहां पर जितने भी हमारे खास मेहमान आ रहे हैं उनका वेलकम जोरदार तरीके से किया जा रहा है तो जरा हम चूंकि हम लाइव हैं इस समय विक्रांत तो जरा हम भी अपना दम दिखा दें स्टूडियो में जो लोग बैठे हुए हैं उसके बाद अहमदाबाद का दम देखेंगे

हम लोगों को तो अभी करना है नहीं हम, हम आपको देखेंगे ना सीखेंगे कैसे नहीं, नहीं 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 वो गुरु है हमारे गुरु है मैं कोई माइकल जैक्सन है <laughs> <laughs> आपके वर्ड रखे कल जीतेंगे तो सारे डांस करेंगे बिल्कुल सारे ही करेंगे जी डांस सारे अंगड़ा रज्के बिल्कुल

वो आपको सपना वो जो आपका पूरा होते हुए देख भी रहा होता है और लग भी रहा हो कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा hmm. कल सारे परफॉर्मेंस में मतलब पूरे वर्ल्ड कप में अगर मैंने परफॉर्मेंस अच्छी करी है और एक मैच तो उसमें ख़राब हो गया तो लोग उसके लिए उसको याद रखेंगे तो ये सारी चीजें ना जो है वो छोटी छोटी चीजें दिमाग में घूमती है पूजा पाठ टोना टोटका कुछ ऐसा भी चलता पूजा है पूजा पाठ तो जो है वो तो बंदा करता ही है सुबह सुबह उठ के पहला काम बंदा कितना भी नास्तिक हो उस दिन आस्तिक बन जाता है हाँ। और, और पूजा <laughs> पाठ जरूर करता है बंदा और भगवान को मैं तो खैर नाम जपने वाला आदमी मैं तो हर वक्त वो कोशिश करता था कि मैदान में भी मैं हमेशा कहता हूं नहीं था। वैसे जब तक रहते हैं मैं कल कल की? तो सारे भगवानों को हम पूजा कर देंगे और हम तो ऐसे कर रहे सब भगवानों को पूजो आज नहीं थोड़ा डर तो लगता है ये तो बात है प्रेशर तो बहुत होता है क्योंकि जो आपकी मेहनत है ना वो सपना दिख भी रहा है कि सफल हो जाएंगे बट अगर 1% भी वो लगता है ना तो उसका वो डर जो लगता दिल है। में धक धक हो रही होती है श्वेता सिंह हमारे संवाददाता ने वहाँ का जायजा लिया है आप देखिए जश्न का माहौल है मेहमानों का किस तरह से किया जा रहा है स्वागत अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कुछ सी तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी जहाँ पर जो फोक स के जरिए उन सभी लोगों का स्वागत कर रहा है जो यहाँ पर क्रिकेट मैच देखने के लिए आ रहे हैं और यकीन मानिए यहाँ पर फ्लाइट की फ्लाइट पूरी की दूरी भर कर आ रही है केवल और केवल क्रिकेट मैच देखने के लिए इस तरफ वो जर्सीज भी बिक रही है आप क्या क्रिकेट मैच देखने के लिए पहुंचे yes, यहाँ से पंजाब लुधियाना से टिकट मिल गया मैच टिकट मिल गई है यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधा टीम जर्सीज यहाँ पर ये फोर्थ परफॉर्मेंस भीतर एक ऑटोग्राफ बॉल और हर जगह फाइनल शोडाउन इस मैच को कहा जा रहा है फाइनल शोडाउन में लोगों के स्वागत से लेकर उस मैच का पूरा जो ब्यौरा है यानी कि पहले एयरफोर्स की एक एरोमेटिक्स स्कीम इस तरह से परफॉर्म करेगी उसके बाद मैच की शुरुआत फिर इनिंग्स ब्रेक के भीतर एक रंगारंग परफॉर्मेंस और फिर तो जब दूसरी पारी होगी तो बस भारत की जीत का ही इंतजार होगा

रिजल्ट चाहे कल कुछ भी हो लेकिन जिस तरीके से खेलते आए अब एक मैच से जज नहीं कर सकते आइनों की दूसरी टीम भी होगी लेकिन जिस तरीके से फोकस किया है टीम ने एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है अग्रेसिव उससे दर्शाया है कि हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने आए हम किसी को इंटरटेन करने नहीं आए हो तो अग्रेसिव अप्रोच है जिस तरह से कप्तान

मुझे लगता है बहुत अच्छा है इन्होंने एक माहौल बनाया टीम के लिए हमने भी एक चार्ट बनाया हुआ था जिसमें हम अपना अपना एक मैसेज लिख के साइन करके फिर अंदर ग्राउंड पे कदम रखते थे कि आज मैं ये करने वाला हूँ मैं ये करने वाला हूँ तो मतलब वो एक अपने लिए आईना था कि ये हमने आज करना है कि आई एम हंड्रेड परसेंट कमिटेड टू वर्ड माई वर्क एंड आई एम कमिटेड टू माई टीम जो भी आपका वो मन में जो जहन में चल रहा है वो चाहे अच्छा भाव या खराब भाव क्योंकि आप अपना जो भी आपके मन में भाव आ रहा है वो लिख के जा रहे हो सो दैट टीम कैन हेल्प यू यू नो इफ़ यूर फीलिंग थोड़ा लो दैन टीम कैन हेल्प यू टू लिफ्ट योर मूड एंड यू कैन प्ले यू नो द व वे यू वॉन्ट टू प्ले तो वो उस तरीके की चीज़ें जो है ये जरूरी होती है बॉन्डिंग के लिए और एक रैना ने जो बात करी है कि रोहित ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये बात करी है ये गैरी क्रिस्टन ने भी हमें यही बोला था कि फ़ाइनल से पहले हमारी मीटिंग मेरे ख्याल से पचपन सेकेंड चली होगी वाह पचपन सेकेंड मीटिंग चली होगी और सिर्फ और सिर्फ उस दिन गैरी क्रिस्टन ने आगे यही कहा था कि फॉर मी ऑल ऑफ यू आर चैंपियन आप जीत चुके हो अगर नहीं आएगी, जी। तो आएगी। चलिए इसी हौसला अफजाई के साथ आप लोगों का शुक्रिया फिलहाल के लिए क्योंकि हमने भी एक चार्ट बनाया हुआ जी हमारे चार्ट में ना बहुत से वर्ल्ड चैम्पियंस को भी आपको मिलेंगे आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव एनालिसिस स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप